शिंदेदरगाह किसकी है, राज ठाकरे का खुले मंच से सवाल। शिंदे सरकार को दी चेतावनी। बीते साल राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने इन्हें हटाने की बात कही थी, साथ ही चेतावनी भी दी थी कि ऐसा नहीं होने पर भजन चलाए जाएंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने बुधवार अवैध दरगाह का मुद्दा उठा दिया है। पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि मुंबई में नई हाजी अली तैयार की जा रही है। उन्होंने इसे तत्काल हटाने की चेतावनी दे दी है। मंजे की तरफ से गुड़ी पड़वा पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान रैली निकाली गई। गुड़ी पड़वा कार्यक्रम के संबोधन के दौरान राज ने कहा, यह किसकी दरगाह है, क्या यह मछली की है? कुछ सालों पहले तक तो यह नहीं थी। उन्होंने कहा, अगर अवैध निर्माण को तत्काल नहीं हटाया गया तो हम उसी जगह विशाल गणपति मंदिर का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि मुंबई के माहिम तट पर दरगाह बनाई जा रही। पार्टी की तरफ से शेयर की गई पोस्ट में कहा गया, जब सरकार प्रशासन नजरअंदाज करता है तो ऐसा होता है। यह अनधिकृत निर्माण माहिम के मखदूम बाबा दरगाह में समुद्र में किया जा रहा था। दो साल पहले यह कुछ नहीं था। एक नई हाजी अली तैयार की जा रही है। यह दिन दहाड़े हो रहा है और फिर भी पुलिस और नगर पालिका को नहीं दिख रहा है। पार्टी ने ट्वीट के जरिए सरकार से भी कार्रवाई की अपील की है। मनसे ने लिखा, राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई पुलिस आयुक्त से अपील की है, इसे देखने के बाद तुरंत कार्रवाई करें और इस अवैध निर्माण को हटाए, नहीं तो हम वहां विशाल गणपति मंदिर बनाएं। बीते साल राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में मस्जिदों के बाहर लाउडस्पीकर का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने इन्हें हटाने की बात कही थी, साथ ही चेतावनी भी दी थी कि ऐसा नहीं होने पर भजन चलाए जाएंगे।